यूं तो केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा बेटियों को समानता और उनको सुरक्षा देने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच है जो बदलने का नाम नहीं लेती। ऐसा ही मामला सामने आया है अंबाला के सुंदरनगर से। सुंदरनगर की रहने वाली महिला गुलविंदर का कहना है कि 2010 में उसकी शादी पंजाब के नंगल शहर में एक व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन जब उसको पता चला कि उसका पति मानसिक रोगी था और उसकी धोखे से शादी उसके साथ कराई गई थी, तो उसने तलाक ले लिया था। सर, एक्चुअली मेरी रीमैरिज हुई है। पहले मैरिज हुई थी नंगल डैम में। लड़का थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, जिस वजह से वहाँ से डाइवोर्स लेना पड़ गया था। इसके बाद उसकी शादी संडोरा में तय हो गई और 7 सितंबर को कुछ शर्तों के साथ वो दिनेश नाम के युवक के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। जो अभी मेरे प्रेजेंट हस्बैंड है, ये हमें 13-14 सालों से जानते थे। इनकी मदर आई तो बोलने लगे कि हमें रिश्ता दे दो, ठीक है, मैरिज कर दी वहाँ पे। जब गुलविंदर प्रेग्नेंट हुई तो उसके ससुराल वाले उसका अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुँच गए, ये जानते हुए भी कि लिंग जांच करवाना गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, जब गुलविंदर के ससुराल पक्ष को पता लगा कि उसके गर्भ में पलने वाली एक बेटी है, तो वो गुलविंदर को उसके मायके में छोड़कर चले गए और कहा कि जब बेटा पैदा होगा तब ही ससुराल आना। मैं प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी होती मदर इन लॉ ने और कहते कि अल्ट्रासाउंड करवाएगी तो बेटा होना चाहिए, बेटी हुई तो हम नहीं रखेंगे। मेरा हस्बैंड 4 मंथ में मुझे मेरे मायके खुद छोड़ के गया, अंबाला में करवा ले, जब बच्चा हो जाएगा फिर मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, या जैसे भी होगा फिर करेंगे, देखेंगे। कुछ समय के बाद गुलविंदर की गोद में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। उसने अपने ससुराल पक्ष को फोन कर बताया, लेकिन तब भी ससुराल पक्ष उससे मिलने नहीं पहुंचा। कोई नहीं आया सर, ना आज तक मुझे कोई खर्चा पानी दिया, ना मेरी बच्ची को देखने आए। जिस हॉस्पिटल में बच्ची बलदेव नगर अंबाला सिटी में पैदा हुई, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी 18 दिन की बच्ची को और मुझे घर पे छोड़ के गए। वहाँ पे बोलने लगे, कहते कि आप अपनी बच्ची को जैसे आपने बच्ची को पैदा करवाया अपने आप पाल। अब उसकी बेटी 3 साल की हो गई है। मुफलसी में वो अपनी 3 साल की इस बेटी को ठीक से पाल भी नहीं पा रही। ससुराल पक्ष की ओर से ना तो गुलविंदर और ना ही उसकी बेटी की कोई सुध ले जा रही। इस विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर अब मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अंबाला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। FIR दर्ज करवाई है, लेकिन माँ भाभी को कभी कोई पेश नहीं करवा रहा है, ना उन्हें अरेस्ट कर रहे। लेकिन गुलविंदर चौहान का आरोप है कि उसके पति की सियासी पहुंच के चलते महिला पुलिस थाने की अधिकारी भी उसकी मदद करने के बजाय उसे कागजों पर हस्ताक्षर करा के समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। मैंने SP सर को जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने मुझे महिला थाना अंबाला सिटी में भेज दिया था। अब सुनीता मैडम है वहाँ पे, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। बस वहाँ पे लड़के वालों की फेवर होती है, वहाँ पे कहने को महिला थाना है लेकिन महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं करता। मेरी बच्ची के फ्यूचर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कोई कुछ नहीं बोलता वहाँ पे। उल्टा हमें कहते हैं कि आप यहाँ पे सिग्नेचर करो कि मैं इस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती। आज मेरी बच्ची 3.5 साल की है, मैंने कार्रवाई नहीं करनी तो मैंने इतनी एप्लीकेशन क्यों दी, क्यों मैं इतनी भटक रही हूँ अपने बच्ची की जिंदगी के लिए, अपनी बच्ची को बचाने के लिए। वहीं जब इस पूरे मसले को लेकर अंबाला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। इस प्रकार के कोई आरोप के बारे कोई कंप्लेंट मेरे संज्ञान में तो है ही नहीं है, लेकिन अगर महिला सेल पे इस प्रकार के आरोप हैं और वो हमारे पास कंप्लेंट देती है तो हम जरूर उस पे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल गुरविंदर ने अब सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो आखिर उसकी बेटी क्यों इस तरह के अधिकारों से वंचित रहे। गुलविंदर ने अब सरकार और प्रशासन से अपील की है कि उसकी बेटी और उसे न्याय दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार इतने ज्यादा इतना कुछ बोलती है लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं है। मैं विज साहब के पास भी गई हूँ, विज साहब ने बोला, मेरे मम्मा को बोला उन्होंने, मैं जमुनानगर के SP को बोल के SHO को बोल के उसका शुद्धिकरण करवा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सत्य खबर के लिए अंबाला से रोजी पहल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।